साली से हुआ प्यार तो पति ने साजिश कर पत्नी की करवा दी निर्मम हत्या। लूट में हत्या होने का देना चाह रूप, बलियापुर पुलिस ने साजिश का किया उद्भेदन। पति समेत दो अन्य गिरफ्तार, हथियार सहित अन्य सामान बरामद। रिपोर्ट अमित मित्तल, सिंदरी। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या साली से के प्यार में आकर करवा दिया, साथ ही खुद भी मौके पर उपस्थित रहा। हत्यारा पति साजिश ऐसा रचा कि सभी को लगे कि अपराधी लूट के इरादे से आया था और इसी दौरान पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। साजिश रचने वाला पति खुद भी गंभीर रूप से घायल अपने को दिखाया ताकि किसी को उसके ऊपर उसके साजिश पर शक ना हो और ये पता ना चल पाए। लेकिन पुलिस की सख्ती तथा जांच ने हत्यारे पति के राज को खोल कर रख दिया। मामले में हत्यारा पति तथा उसके दो दोस्त को गिरफ्तार बलियापुर पुलिस ने किया, साथ ही हत्या में उपयोग किया गया धारदार हथियार सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए। मामले को लेकर सिंदरी एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने बलियापुर थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। तेईस नवंबर की देर शाम बलियापुर थाना क्षेत्र के बलियापुर पतलावाड़ी मुख्य मार्ग से उत्तम दे पति बाइक में अपनी पत्नी प्रतिमा देवी 28 वर्षीय को लेकर अपने घर डॉक्टर से इलाज करवा कर जा रहा था। इसी दौरान पतलावाड़ी मुख्य मार्ग के समीप उत्तम दे बाइक को रोक दिया, जहां उत्तम दे के दोनों दोस्त मुन्ना उर्फ अविनाश तथा विकास राय उर्फ बाबा पहले से ही था। दोनों दोस्तों के साथ मिलकर प्रतिमा देवी 28 वर्षीय की चाकू से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद उत्तम दे खुद को भी घायल कर लिया। घटना इस तरह से अंजाम दिया गया कि लोगों को लगे कि लूट को लेकर यह घटना हुई है। मामले को लेकर बलियापुर थाने में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद बलियापुर थाना प्रभारी श्वेता कुमारी के नेतृत्व में जांच किया गया। पति उत्तम दे से पुलिस कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि साली से वो प्यार करता था, वो शादी करना चाहता था, जिसकी जानकारी पत्नी तथा ससुर को भी थी, लेकिन सभी इससे इनकार कर रहे थे, जिसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। उक्त मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के निर्देश अनुसार 6 सदस्य टीम को शामिल किया गया था, जिसमें जगदेव पहन तिर्की, पुलिस ने विश्व सुंदरी आंसर तथा थाना प्रभारी सविता कुमारी सोनी, राजेश सिंह सोनी, प्रमोद राय सोनी, राजकुमार सिंह एवं सोनी सिंह को शामिल किया, जिनकी काफी मशक्कत और कठोर परिश्रम से इतनी बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया। इस दौरान गिरफ्तारी अभियुक्त में उत्तम दे उर्फ उत्तम महोदय, मुन्ना उर्फ अविनाश हालदार एवं विकास राय बाबा के नाम से सामने आया। तीनों ही ऑटो चालक थे और तीनों का क्षेत्र अलग-अलग है। कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। इसका खुलासा आज सिंधरी एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। इस दौरान बलियापुर थाना कांड संख्या 220/2021, धारा 302/120/B के तहत मामला दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। मामले को लेकर एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि 23 नवंबर को प्रतिमा देवी की हत्या हुई थी। हत्या करने वाला खुद उसका पति उत्तम दे उर्फ उत्तम मोदक था। पूछताछ में उत्तम दे ने पुलिस को बताया कि साली से प्यार करता था, शादी करना चाहता था, पत्नी ससुर को ये बात बताया था, लेकिन सभी विरोध कर रहे थे। पति पत्नी में इसको लेकर हमेशा झगड़ा होता था। 23 नवंबर को बलियापुर पतलावाड़ी मुख्य मार्ग से दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। साली नाबालिग है, हत्या में साली की कोई संलिप्तता नहीं है। हत्या में उपयोग किया गया चाकू, पहने हुए कपड़े, ऑटो बाइक को बरामद कर लिया गया। अनुसंधान के क्रम में ऑटो संख्या JH10BT6690 एवं बाइक काले रंग का डिस्कवर मोटरसाइकिल संख्या JH02207 भी जब्त की गई। 23/11 की रात्रि में दुधिया पंचायत के बेड़ा गांव के पास एक महिला प्रतिमा दे की गला काट के हत्या कर दी गई थी। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि जो मृतिका थी उसके पति उत्तम दे ने उसकी गला काट के हत्या की। अपने दोस्तों मुन्ना और
विकास राय के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जब इसके बारे में जानकारी है कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि जब अनुसंधान ये बात प्रकाश में आई कि उनकी एक साली थी जिसके साथ उसका नाजायज संबंध था और उससे शादी करना चाहते थे, और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ससुर और पत्नी दोनों को दे रखी थी, और इस बात को लेकर पत्नी हमेशा नाराज रहती थी और उनसे खटपट होते रहता था। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि हम इसको एक मिल के इसको अपने रास्ते से हटा दे तो फिर मेरी उससे शादी हो जाएगी। इसी के तहत उन्होंने अपने दो दोस्त मुन्ना उर्फ अविनाश हलदर और विकास राय उर्फ बाबा के साथ मिलके इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई। इस घटना को अंजाम योजना में सर साली भी शामिल थी क्या? नहीं, योजना में साली को कोई जानकारी नहीं है। साली ने तो इनसे मतलब बाद में बोल दिया कि नहीं हमको कोई मतलब नहीं, शादी नहीं करना है। तभी ये गुस्से में आके इन्होंने इस पर किया। दोनों दोस्त ऑटो ड्राइवर भी, तीनों ऑटो। साली सर क्या नाबालिग है? साली अभी नाबालिग। तो क्या बरामद हुआ सर उस? उनकी निशानदेही पे हम लोगों ने ये हथियार बरामद किया। मुन्ना के पास से, मुन्ना की निशानदेही पे ही उन्होंने उसको हथियार को छुपा दिया था नाले में। हम लोग परिवार के हथियार को बरामद किए, प्लस उन लोगों ने घटना को अंजाम देने से पहले जगह बैठ के बियर और ग्लास बियर पिया था, तो बियर और ग्लास की बोतलें भी बरामद हुई हैं। उस समय जो उन्होंने कपड़ा पहन रखा था उसके अभी भी खून के कुछ छींटे हैं, धोने का प्रयास किया गया, और उसके बावजूद जो खून के कुछ छींटे हैं वो बरामद। तो चाकू उत्तम देह ही मारे थे क्या? नहीं, चाकू मारने में मुन्ना उत्तम देह गाड़ी में बैठे हुए थे, और वो जैसे ही मतलब इशारा किए गाड़ी आगे बढ़ के गाड़ी रोका गया, और ये विकास ने मतलब रूट पूछने के बहाने कि ये धनबाद किधर जाएगा उनको बजाया, और इसी दरमियान मौका पाके ये मुन्ना उतरा और दाहिने बाएं हाथ से मुंह दबा के और एक बार में ही गला काट दिया, इससे वो मूर्ति का गिर पड़ी। तब उसके बाद गिरने के बाद भी उसने जब कंफर्म करने के लिए एक बार चाकू पेट में भी मारा। एक बार ठीक।